सुशांत की थेरेपिस्ट का एक इंटरव्यू आया है। जी हाँ, और उन्होंने ये इंटरव्यू जो है वो बरखा दत्त को दिया है। इनका नाम है सुजान वॉकर मफिट, और जो है उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत उनके पास जो है आए थे नवंबर दिसंबर में, जो मुलाकातें हुई थी तब रिया और सुशांत दोनों साथ में आए थे, और अब जो है उन्होंने ये सारी बातें बताई कि उन दो महीनों में उन्होंने सुशांत में क्या क्या देखा, रिया और सुशांत को लेकर उनको क्या वो क्या सोचती हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत के निधन से एक हफ्ते पहले ही उनकी रिया के साथ जो है चैट हुई थी। वो कहती हैं कि मेरी नवंबर 2019 में वो आए थे सुशांत मेरे पास रिया के साथ, और रिया के साथ एक हफ्ते पहले मेरी चैट भी हुई थी। वो बोलती हैं कि सुशांत जो है मैं बहुत दिनों से चुप थी, उन्होंने कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि मैं बाहर आऊं और मैं बाहर आकर जो है कुछ बातें शेयर करूं जो मुझे लगता है, जो मैं सोचती हूं और जो मैं सुशांत के बारे में जानती हूं। उन्होंने बोला कि सुशांत को बायपोलर था और जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर डिप्रेशन में थे, और जो वो डिप्रेशन होता है उनको हमेशा लगता था कि कोई उनको ढूंढेगा और मार डालेगा, वो इस तरह की बातें करते थे। उन्होंने कहा कि ये बीमारी जो है कैंसर की तरह और डायबिटीज़ की तरह होती है, वो ये देख कर नहीं आती है कि आप किस एज के हैं, वर्क के हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, ये आती हैं। और जिस तरह से हम कैंसर और डायबिटीज का इलाज करते हैं, उसी तरह से अगर हमें ऐसे कोई भी मानसिक तौर पर बीमारी हो जाए उसके बारे में भी खुलकर बात करनी चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं ये बिल्कुल बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि रिया के साथ जो कुछ भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वो सही है। उनका कहना है कि रिया जो है वो सुशांत का ध्यान एक मदर फिगर की तरह रखती थी और उतना ही प्यार बरसाती थी। वो कहती है, जब पहली बार मैंने उन दोनों को एज अ कपल देखा, मिली, तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि रिया जो है इतना कंसर्न था उसे, यहाँ तक कि थेरेपी के लिए वो उसको इंकरेज करती थी ताकि जो है उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो सके। वो ही उसके अपॉइंटमेंट्स का ध्यान रखती थी, वही दवाइयों का ध्यान रखती थी। तो उन्होंने कहा है कि मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है कि क्यों रिया को इतना कहा जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हाँ, सुशांत को मैंने ट्रीट किया है और दो महीने जो है मैंने ट्रीट किया, और सुशांत को जो है बायपोलर था, उनको टेरिबली हाइपोमेनिया था, और मैं बहुत इम्प्रेस थी जब मैं इन दोनों से मिली, इन दोनों के लव से, कंसर्न से, सपोर्ट से, और जिस तरह से रिया जो है हमेशा उनके साथ रहती थी मदर फिगर की तरह, बहुत प्यार था, पैशन था दोनों में। उन्होंने कहा कि रिया ने बहुत हार्ड टाइम भी देखा है सुशांत के साथ, लेकिन बहुत डीप केयर करती थी वो उसकी, वो बहुत सेंसिबल लड़की है। तो इस तरह की बातें जो है सुजान वॉकर मफिट ने की है, जो थेरेपिस्ट रह चुकी हैं, और उनका ये कहना है कि सुशांत को जो है पैरानोया था, बाइपोलर था, और उनको बार बार ये बात लगती थी कि कोई उन्हें मारने आ रहा है। तो ये सारी बातों का खुलासा जो है उन्होंने बरखा दत्त को एक ऑडियो इंटरव्यू दिया है उसमें किया है। उन्होंने कहा, मैं इतने दिनों से चुप थी लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने कहा कि सुशांत के साथ जो हुआ है, मैं बस यही कहूँगी कि ये सब इसी चीज़ को बताता है कि आपके साथ कभी भी कोई मेंटल इलनेस हो तो उसको छुपाइए नहीं, आगे आइए, बात कीजिए। और ये उन्होंने हालांकि इस बात का दावा किया है कि रिया और सुशांत को जितना जानती हैं वो उनको नहीं लगता कि रिया की जो सोशल मीडिया पर बैशिंग हो रही है वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुशांत के निधन से एक हफ्ते पहले भी मेरी रिया से जो है चैट हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और वो पहली बार इस तरह से खुलकर बाहर आई हैं।